मैंने मैंने न्यूट्रल्स को समझाया भी था कि ये बड़ी मुश्किलों से हमने इकोनॉमी संभाली हुई है, क्योंकि एक अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हर तरफ पाकिस्तान की मईशत के चर्चे हैं, और जो लोग इस मईशत को तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं वो लोग अब कह रहे हैं कि मईशत को किस तरह ठीक किया जाए। इमरान ख़ान साहब की एक नायाब वीडियो मेरे हाथ लगी है, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ये वीडियो इनकी हमेशा पीछा करेगी। जिन लोगों को खान साहब ने ये पैगाम पहुँचाया था कि आप इस मुल्क के साथ तजुर्बा मत करें, ये मईशत बड़ी मुश्किल से हमने कड़ी की है, और करोना के इस दौर में हमने इस मईशत को संभाला। अगर आपने तजुर्बात किए इस मुल्क के साथ तो ये मईशत संभल नहीं पाएगी। और वही हुआ कि अब पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि ना तो डॉलर रुकने का नाम ले रहा है, ना तेल की कीमतें रुकने का नाम ले रही है, ना खुराक अशिया की कीमतें रुकने का नाम ले रही है। इमरान खान साहब की वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, इसको मैक्सिमम लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। मैंने न्यूट्रल्स को समझाया भी था कि ये बड़ी मुश्किलों से हमने इकोनॉमी संभाली हुई है, क्योंकि एक कोरोना आ गया, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स आ गए, कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, एनर्जी की कीमतें बढ़ गई, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कम थे, तो बड़ी मुश्किलों से हम नेविगेट कर रहे थे इसमें से। तो मैंने जब मुझे पता चला साजिश हो रही है, मैंने न्यूट्रल्स को समझाया, शौकत तरीन को भी भेजा समझाओ कि देखें अगर इस वक्त आपने ये साजिश को कामयाब होने दिया तो ये सारा बिखर जाएगा, ये बड़ी मुश्किलों से एक मार्केट का आज कॉन्फिडेंस है, अगर आपने हिलाया तो ये संभाल आप नहीं समझेंगे। मैंने ये एग्जैक्टली मैंने कहा टेल स्पिन में चली जाएगी आपकी इकोनॉमी, क्योंकि हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है। जो आपने हिंदुस्तान की बात की, हिंदुस्तान के पास रिजर्व्स हैं,